लेटिस इंडस्ट्रीज में आपका हार्दिक स्वागत है। लेटिस इंडस्ट्रीज लेकर आए हैं प्लम्बर प्रोत्साहन योजना। इस योजना से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपको हमारी प्रोडक्ट बेचने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। आपको सिर्फ नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, एक पेज खुलेगा ऐसा, जिसमें आपको आपकी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि प्लम्बर का नाम, वो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है या बोरर है, उसकी डिटेल, उसका मोबाइल नंबर, वो कहां से है, वो एरिया का नाम, रेफरल कोड में आएगा जो आपको दूसरे कोई प्लम्बर ने रेफर किया है तो उसका कोड, और फिर लास्ट में आपको ये सबमिट बटन दबाकर अपनी एंट्री सक्सेसफुल सेव करनी है। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव होने के बाद आपको एक कंपनी की ओर से ये ऐसा मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, और आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे, जिस यूजर आईडी पासवर्ड से आप अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। अब आप दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जिससे हमारे लेटेस्ट कंपनी की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। यहाँ पे क्लिक करें। जैसे भी आप लिंक पर क्लिक करोगे, ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको इंस्टॉल करनी है एप्लीकेशन। अब आप ऊपर देख सकते हैं, फाइल इंस्टॉल हो चुके हैं, उसे ओपन करें, इंस्टॉल करें। अब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, उसे ओपन करें। अब आपको मैसेज द्वारा दिए गए यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे लॉग इन करना है। आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद एप्लीकेशन के दाईं ओर आप देख सकते हैं स्लाइड बार। उस स्लाइड बार में नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर डिटेल्स। मास्टर डिटेल्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आप प्लम्बर है तो उसकी डिटेल्स, आपका फुल एड्रेस, पिन कोड नंबर, आप कहाँ से हुए वो एड्रेस, उसके साथ आपको अपने वेरिफिकेशन के लिए किसी भी एक पहचान पत्र को अटैच करना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरह से आप अपने पहचान पत्र को अपलोड कर दीजिए। अपलोड होते ही कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल अटैच हो चुकी है। आखिर में आपको अब सबमिट बटन दबाना है। जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे, आपकी एंट्री सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। प्लम्बर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कंपनी की ओर से एक मैसेज आएगा, जिस मैसेज में आपकी मास्टर डिटेल्स अप्रूव हो गई है और अभी आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है और लॉयल्टी पॉइंट भी उससे कमा सकते हैं। एप्लीकेशन की दाई तरफ मास्टर डिटेल्स के नीचे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का पेज खोलेंगे, आपको इनमें दी गई सारी चीजों को फिल करना है, जैसे कि सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में आएगा आपका प्रोडक्ट का नंबर, जिसको आपने बेचा है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नंबर आएगा। मैं उदाहरण के लिए एक नंबर ले रही हूँ, प्रोडक्ट को बेचने की तारीख, ग्राहक का पूरा नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कहां पे बेचा है वो एरिया, रेफरल कोड अगर आपको किसी ने दिया है तो वो उसमें डाले, वरना आप अपना बिल या वारंटी कार्ड जो आपका बेचने का प्रूफ है उसमें इसको अटैच करें। अटैच करने के बाद उस फाइल को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आखिर में आपको रजिस्टर करना है। फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद कंपनी की ओर से आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में दिखा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हो चुका है और प्रोडक्ट बेचने पर आपने कितने लॉयल्टी पॉइंट्स कमाए हैं। अगर आपने कितने लॉयल्टी पॉइंट्स कमाए हैं वो देखना है, तो आप एप्लीकेशन में जाकर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के नीचे वाले पॉइंट को क्लिक करें
जहाँ पे आपका लॉयल्टी पॉइंट हिस्ट्री का पेज खुलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि आपने कितने लॉयल्टी पॉइंट्स कमाए हैं। आप जितनी भी बिक्री करोगे उतने आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, वो आप लॉयल्टी पॉइंट हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।